ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहां इंसानों के रहने लायक सही वातावरण, जमीन, पानी, गुरुत्वाकर्षण और इकोसिस्टम है। और यहां पर रहने वाले बुद्धिमान इंसानों ने पूरे सोलर सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। यहां तक कि इंसान चंद्र पर भी पहुंच चुके हैं और अब इंसान मंगल ग्रह पर इंसानी सभ्यता बसाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आपको एक बार तो दिमाग में ये सवाल आया होगा कि हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा दूसरे 7 ग्रह हैं, तो फिर मनुष्य सिर्फ मंगल ग्रह पर ही क्यों इंसानी बस्ती बनाने की कोशिश कर रहा है? दूसरे प्लेनेट पर ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम इंसानी सभ्यता उन ग्रहों के ऊपर नहीं बसा सकते? तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे सौर मंडल के अन्य ग्रहों की जमीन कैसी होगी और वहाँ पर क्या मौजूद होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले मरकरी यानी कि बुध ग्रह की बात करते हैं। सूर्य के बिल्कुल नज़दीक मौजूद यह ग्रह बिल्कुल सूखा और वीरान पड़ा है और उसके पास अपना वायुमंडल भी नहीं है। और बुध ग्रह की जमीन पूरी तरह उबड़ खाबड़ है और इसमें काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे हैं जो कि कई किलोमीटर तक लंबे और चौड़े हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार करोड़ों साल से अनगिनत शुद्ध ग्रह और धूमकेतु की बुध ग्रह की सतह से टक्कर होती रहती है, जिसकी वजह से बुध ग्रह की सतह पर इतने बड़े गड्ढे पड़े हैं। अगर आप बुध ग्रह की सतह को ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल हमारे चांद की तरह दिखाई देगी। बुध ग्रह का व्यास 4,879 किलोमीटर है। सूरज के सबसे पास और वायुमंडल ना होने की वजह से बुध ग्रह पर तापमान का कोई नियंत्रण नहीं है। दिन के समय बुध ग्रह पर तापमान 450 डिग्री तक पहुंच जाता है और रात को इसका तापमान गिरकर -176 डिग्री तक चला जाता है, जिसकी वजह से कभी भी इंसान बुध ग्रह की सतह पर कदम नहीं रख सकता। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है, बुध ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 38% है, जिसका मतलब पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन 38 किलो ही होगा। बुध ग्रह के बाद हम बात करते हैं सौर मंडल के दूसरे ग्रह वीनस यानी कि शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। भले ही बुध ग्रह सूर्य से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हो, लेकिन उसके पास खुद का कोई वायुमंडल ना होने की वजह से उसकी सतह पर सूर्य की गर्मी टिक नहीं पाती। लेकिन शुक्र ग्रह के पास अपना वायुमंडल है जो कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड के बादल के परत से ढका हुआ है। इसके अलावा शुक्र ग्रह के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह का तापमान दिन और रात में 460 डिग्री सेल्सियस रहता है। शुक्र ग्रह पर मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की वजह से इसकी सतह पूरी तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन ग्रह पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टाने और ज्वालामुखी के ऊपरी हिस्सों को देखा जा सकता है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मुताबिक शुक्र पर 20 किलोमीटर से बड़ी 1000 से ज़्यादा ज्वालामुखी मौजूद है, जिनमें से कई ज्वालामुखियाँ सक्रिय हैं, जिसकी वजह से शुक्र ग्रह की सतह का 60% हिस्सा इन ज्वालामुखी से निकले लावा, बाकी 40% हिस्सा चट्टानों से बना हुआ है। शुक्र ग्रह पर एटमोस्फियरिक प्रेशर पृथ्वी से 92 गुना ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ चलना भी बेहद ज़्यादा मुश्किल है। अगर इंसान ने शुक्र ग्रह की सतह पर स्पेस सूट पहने बिना पैर रख दिया तो सतह पर मौजूद लावा और गर्म चट्टानों की गर्मी से उसका शरीर कुछ ही पलों में पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। शुक्र ग्रह के बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है, लेकिन इस वीडियो में हम पृथ्वी के बारे में नहीं जानेंगे बल्कि पृथ्वी के सिवा सौरमंडल में मौजूद दूसरे ग्रहों की सतह के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब जानते हैं हम पृथ्वी के उपग्रह यानी कि चंद्र की सतह के बारे में कि आखिरकार चंद्र की जमीन पर क्या मौजूद है। जो पृथ्वी के अलावा सोलर सिस्टम में इकलौती ऐसी सतह है जहां पर इंसान कदम रख चुके हैं। चंद्र की सतह काफी उबड़ खाबड़ है और इस पर कई सारे बड़े बड़े गड्ढे भी मौजूद है। चांद के पास खुद का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहां पर इंसान स्पेस सूट के बिना जीवित नहीं रह सकता। चंद्र के बाद हम जानते हैं मार्स यानी कि मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे क्रम में आता है और ये हमारा पड़ोसी ग्रह भी है। मंगल ग्रह को लाल रंग का ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इस ग्रह की सतह पूरी तरह से लाल रंग की है।
दरअसल मंगल ग्रह की जमीन में काफी ज्यादा मात्रा में आयरन, अन्य धातु और खनिज पाए जाते हैं और इसी आयरन का ऑक्सीकरण होने की वजह से मंगल ग्रह की सतह पूरी तरह से लाल है। मंगल ग्रह पर ठंडा और पतला वायुमंडल है जिसकी वजह से सूरज की ज्यादातर गर्मी मंगल की सतह से टकरा कर वापस से अंतरिक्ष में चली जाती है और पानी ज्यादा देर तक लिक्विड फॉर्म में नहीं रह पाता। मंगल ग्रह पर आयरन के धूल से बनी आंधी के बवंडर चलते रहते हैं। अगर मंगल ग्रह के तापमान की बात करें तो सूर्य से दूर होने की वजह से मंगल ग्रह का औसत तापमान -55 डिग्री तक रहता है और इसका अधिकतम तापमान 30 डिग्री और कम से कम तापमान 130 डिग्री तक जा सकता है। मंगल ग्रह की सतह पर कई सारी धारियां दिखाई देती है जिसे देखकर लगता है कि पहले यहाँ पर जल का प्रवाह होता हो। मंगल ग्रह के सतह को देखकर वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले यहाँ पर जीवों की बस्ती जरूर रही होगी जिसका किसी कारणवश विनाश हो चुका है। मंगल ग्रह के बाद हम जानेंगे जुपिटर यानी कि सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह जिसे बृहस्पति ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों इस ग्रह को गैस जायंट ग्रह भी कहा जाता है जिसका मतलब कि यहाँ पर कोई ठोस सतह नहीं है बल्कि यह ग्रह पूरी तरह से गैस और तरल पदार्थों से बना है। जुपिटर ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 पृथ्वी समा सकती है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल में आने वाले बाहरी उल्कापिंडों को अपनी तरफ खींच लेता है जिसकी वजह से वो उल्कापिंड पृथ्वी या फिर अन्य ग्रहों से नहीं टकराती है। इसी तरह साल 1984 में एक बड़ा धूमकेतु पृथ्वी की तरफ आ रहा था लेकिन बृहस्पति ने उस धूमकेतु को अपनी तरफ खींच लिया और एक भयंकर विस्फोट के बाद सब शांत कर दिया। बृहस्पति ग्रह के बाद हम बात करेंगे सैटर्न की यानी कि शनि ग्रह की। शनि ग्रह के चारों ओर एक खूबसूरत रिंग दिखाई देती है जो कि जमी हुई बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल और चट्टानों के टुकड़ों से बनी है। जब ये बर्फ सूर्य से आने वाले किरणों को रिफ्लेक्ट करती है तो ये चमकती हुई नजर आती है। शनि भी जुपिटर की तरह एक गैसीय ग्रह है जिसका मतलब कि शनि ग्रह पर भी कोई ठोस सतह नहीं है। शनि का वायुमंडल 96% हाइड्रोजन, 3% हीलियम और 1% अमोनिया और इथेन जैसी गैसों से बना है। शनि ग्रह पर भी ठोस सतह नहीं है जिसकी वजह से हम इस ग्रह पर पैर नहीं रख सकते और जैसे जैसे शनि ग्रह के वायुमंडल में नीचे जाया जाता है वैसे वैसे उसमें मौजूद हवाओं की रफ्तार तेज होती जाती है। शनि ग्रह पर बहने वाली हवा की रफ्तार 18 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलती है। शनि ग्रह के बाद हम जानेंगे यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह के बारे में। जुपिटर और सैटर्न की तरह यूरेनस भी एक गैस का गोला है और इस ग्रह पर कोई ठोस सतह मौजूद नहीं है। हालांकि इस ग्रह पर बर्फ की मात्रा बेहद अधिक है। यहाँ का औसतन तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है इसलिए यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह को बर्फीले गैसीय ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसके वायुमंडल में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन गैस मौजूद है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि यूरेनस ग्रह के पास 27 अपने नेचुरल उपग्रह मौजूद है। यहाँ पर एक दिन की लंबाई 17.2 घंटे की होती है। सूर्य की किरण यूरेनस ग्रह के ऊपर पड़ने से जो लाइट रिफ्लेक्शन होती है जिसके कारण यूरेनस ग्रह नीले रंग का दिखाई देता है। यूरेनस ग्रह के बाद हम सौर मंडल के लास्ट ग्रह यानी कि नेपच्यून के बारे में जानेंगे। दोस्तों नेपच्यून ग्रह भी एक गैसीय ग्रह है और अन्य गैसीय ग्रह की तरह इसके पास भी अपने रिंग्स है लेकिन ये रिंग्स काफी पतले और धुंधले हैं जिसकी वजह से इसे देख पाना बेहद ही मुश्किल है। नेपच्यून ग्रह के वायुमंडल में 74% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और करीब 1% मीथेन गैस है और इसके वायुमंडल में बर्फीले बादल मौजूद है और दूसरे गैसीय ग्रह की तरह इस ग्रह पर भी कोई ठोस सतह नहीं है। गैस और बादल से बने नेपच्यून ग्रह का रंग नीला है और इस पर करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बहती है। नेपच्यून ग्रह सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा प्लेनेट है और नेपच्यून ग्रह का आकार पृथ्वी से करीब 4 गुना और इसका वजन पृथ्वी से 17 गुना भारी है। नेपच्यून ग्रह के पास अपने 13 उपग्रह मौजूद है जिनमें से सबसे बड़ा मून ट्राइटन है जिसे साल 1846 में एक अंग्रेजी खगोल शास्त्री विलियम लेसल ने खोजा था। तो आपको सौर मंडल में मौजूद ये सब प्लेनेट के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।